अभिनेता व राजनेता रह चुके सुनील दत्त और मशहूर अदाकारा नरगिस के घर जन्मी प्रिया दत्त को राजनीति और फिल्मी करियर तो विरासत में ही मिले थे, लेकिन उन्हें फिल्मी दुनिया में कोई खास रुचि नहीं रही और अपनी मेहनत से उन्होंने राजनीति में अपनी एक अलग ही पहचान कायम की। पिता सुनील दत्त और माँ नरगिस दोनों ही राजनीति के साथ साथ समाज कल्याण के लिए अपना योगदान देते रहे हैं। प्रिया को राजनीति विरासत में भले ही मिली हो, पर राजनीति में उनकी शुरुआत आसान नहीं थी। उन्हें 2005 में उपचुनाव के दौरान उनके पास धमकी भरे फोन खूब आते थे, जिसमें उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी जाती थी, लेकिन फिर भी वे निडरता से चुनावी मैदान में डटी रही और बेहतरीन जीत भी हासिल की। सुनील दत्त के निधन के बाद प्रिया दत्त ने 2005 में कांग्रेस पार्टी से उतरी पश्चिमी मुंबई लोकसभा क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और अपने इस पहले ही चुनाव में उन्होंने शिवसेना के उम्मीदवार को पछाड़ कर भारी मतों से जीत हासिल की, जिसके बाद मीडिया ने उन्हें खूब सराहा। उसके बाद वे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की सचिव नियुक्त की गई, जिसके बाद 2009 में भी उन्होंने सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन 2014 में उन्हें सीट पर हार का सामना करना पड़ा। प्रिया ने हमेशा राजनीति से ज्यादा सामाजिक कल्याण में जोर दिया है। प्रिया ने महिलाओं के हक के लिए समय समय पर आवाज उठाई, चाहे वह महिलाओं के आरक्षण की बात हो या फिर वैश्यावृत्ति की कानूनी मान्यता की। प्रिया आज कई महिलाओं के लिए आदर्श बन गई है। आज भी प्रिया समाज सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटती, चाहे फिर वह गणेश विसर्जन के बाद बीच की सफाई हो या फिर सरकारी अस्पताल में जाकर मरीजों की सूत लेना हो, लोगों को जागरूक करने हेतु मैराथन में भाग लेना हो, क्रिसमस पर गरीब बच्चों को कपड़े चॉकलेट बांटना हो या फिर समाज सेवा से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, हर जगह उनका योगदान बहुत सराहनीय रहा है। राजनीति में सक्रिय होते हुए भी प्रिया ने अपने परिवार को हमेशा अपने साथ रखा है। अपने भाई संजय दत्त के बड़ी से बड़ी परेशानी में भी प्रिया हमेशा उनके साथ खड़ी रही। संजय दत्त की बुरी आदतों के कारण प्रिया को कॉलेज के दिनों में काफी कुछ सुनना पड़ता था, लेकिन वे फिर भी अपने भाई को सही राह पर लाने के लिए हर कोशिश करती थी। 2009 में संजय के सपा में शामिल होने पर खबरें आती थी कि दोनों के बीच आपसी मतभेद होने लगे थे, लेकिन अपने 2019 के इस लोकसभा चुनाव के लिए संजय ने प्रिया के लिए काफी प्रचार किया और यही नहीं बल्कि प्रिया 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने भी संजय के साथ गई थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।